डिग्री कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ फ्री ट्रेनिंग दी जाएंगी और ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे और उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट जॉब भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار صدق الله العظيم। मैं उसामुद्दीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है। हम लोग दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन के तालीम और हुनर फ़नी तालीम को भी हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन था, ये लॉकडाउन में कई ख़वातीन, कई अपने उम्मत मुसलमान के घराने जो क्या है परेशान थे राशन की तरफ से और मुख्तलिफ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की तरफ से, उनकी रोटी रोज़गारी नहीं रहने की वजह से उन लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की तरफ से परेशान थे। तो हम लोग ये कदम उठाए हैं के उम्मत मुसलमान में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना, ये हमें अपना एक जज्बे के तहत हम ये निकले हैं। ख़ास तौर पर मर्द हज़रात को तो नौकरी मिल जाती है मगर ख़वातीन को नौकरी मिलती नहीं है और उन लोगों को जॉब्स के लिए कई दुश्वारियाँ होते हैं। तो मेरा फ़र्ज ये समझता हूँ, ये प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियाँ हैं, आप लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हमको नहीं छोड़े, अल्लाह हमारा वारिस है, अल्लाह हमारा निगहबान है, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह हमारा सब कुछ है। तो हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से हम जो भी करेंगे एक दूसरे को मदद करेंगे, सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, सिर्फ हमारा नाम बड़ा हुआ होना बल्कि हम नहीं कर रहे। और हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर जो मज़र साहब जो जैन स्कूल्स के जो करस्पॉन्डेंट HM है, मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट और अपील कर रहा हूँ कि आप लोग अगर वाकई अपने आप को, क्योंकि आजकल का दौर और आजकल की जो महंगाई और जो भी गिरानी जो बढ़ी हुई है, तो एक मर्द आदमी कमाने से नहीं होता, अगर साथ में अगर लेडीज़ भी कमाना अगर शुरू करेंगे तो वो एक बेटर रहेगा, आप अपने फैमिलीज को सपोर्ट करें जैसा रहेगा, तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए। क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्रीज को अगर देखेंगे कि चाइना वगैरह में वहाँ पे कई क्या बोलते ना लेडीज खवातीन घर में क्या बोलते ना इक्विपमेंट्स क्या बोलते ना बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट्स अगर हम वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर हम अगर साइड नहीं करेंगे तो हम हमारे फाइनेंशियल को हमको सॉल्व करना है, कोई बाहर वाला आके सॉल्व नहीं करता। तो आप अगर उस जज्बा से घर से बाहर निकल के या घर में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, बोले तो हम वैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसा कि सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास अगर टेलरी आती है, उन लोग हमारे पास प्रोफेशनल्स के उतना नाम लिखाइए और आप लोग बोले कि हमारे पास मशीन है तो उन लोगों को आप हमारे पास नाम लिखाइए। किसी के पास मशीन नहीं है, किसी के पास टेलरिंग कुछ भी नहीं आता तो हमको क्या होता है टेलरिंग सिखाएंगे, फिर उनको मशीन प्रोवाइड एक जगह करेंगे, फिर वहाँ पर हम लोग वर्क लेकर के देंगे और वो वर्क आप लोगों को फिनिश करना रहेगा। इसी तरीके से क्या है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है जो 10th पास है, गवर्नमेंट कोर्स रखी है शॉर्ट टर्म कोर्स मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स बोल के, आफ्टर 10th के बाद कोर्स है। वो बच्चियाँ अगर 10th नहीं है तो वो भी बोलिए उनको हम फर्स्ट 10th ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद में मल्टीपर्पज हेल्थ कोर्स के वास्ते हम लोग प्रेफरेंस देंगे। नहीं अगर मल्टीपर्पज कोर्स करने का वास्ते आपके पास वो नहीं है टेंथ नहीं है बल्कि आप पीछे नहीं बढ़ जाना है, तो फर्स्ट आपको जो सीढ़ी चढ़ना है जो बिगनिंग जो आपको होने का है वो 10th होने का है। 10th होने के वास्ते यहाँ का मैनेजमेंट आप लोग को 10th अप्रोच कराएंगे, चाहे वो रेगुलर रह दो, एज अगर 16 अगर रहेंगी खवातीन बच्चों की तो उन लोग रेगुलर में आएंगे, जिसकी एज 16 अगर क्रॉस हो जाएंगी उन लोग क्या है टॉस का एग्जाम्स लिखेंगे या NIOS का एग्जाम्स लिख सकते हैं, उन्होंने एलिजिबल होते हैं आफ्टर 18 ईयर्स के बाद। वो आप लोग यहाँ के मैनेजमेंट से पूछ लेंगे, आप नर्सिंग को कोर्स भी कर सकते हैं और 10th का कोर्स के बाद में नर्सिंग कोर्स भी है। नर्सिंग कोर्स का मेरे पास मैं बता रहा हूँ कि 1000 नर्सेस का रिक्वायरमेंट है। अगर हम आप जाके यूरोपियन कंट्रीज में देखो, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो
वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज है, वहाँ के नर्सेस, वहाँ के प्रोफेशनल्स कैसे रहते हैं, वो कोर्स अगर हमारी कम्युनिटी के बच्चे अगर सीखेंगे तो किसी को क्या मतलब, कुछ नहीं तो नहीं, घर के बाजू जो हार्ट पेशेंट्स हो जाते हैं या किसी को इंजेक्शन देना, किसी को ग्लूकोज चढ़ाना, किसी को राइस ट्यूब रहता है, किसी को कैथेटर ट्यूब रहते हैं, ये बिगनिंग छोटे छोटे चीजें रहते हैं, ये चीज में आप अपना पेट भर सकते हैं और अपने माशरत को, अपने घर को संवार सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस है, वो कोर्सेस हम लोग 100 का रिक्वायरमेंट है, मैं वो चीज फुलफिल नहीं कर सक रहा हूँ। महज शाली पंडे से यहाँ पे आने का मकसद है कि यहाँ से मैं कम से कम 100 नर्सेस की ट्रेनिंग देके उन लोगों को पूरा को जॉब्स पर लगाऊंगा और एक कदम उठाया। तो ऐसे हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन के फातिमा मुस्लिम महिला मंडल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग की वो खवातीन के लिए ये काम करने की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हम लोग क्या है ये कोर्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो नर्सेस का रिक्वायरमेंट है, आपको इंजेक्शन देना, ब्लड प्रेशर चेक करना, थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर करना, हार्ट बीटिंग चेक करना, रेस्पिरेशन चेक करना, ये विटल जो साइन है, वो साइन जो है आप लोगों को ये डिटेल्स पूरे आप लोगों को डे बाय डे क्लासेस, अगर जो खवातीन जो बच्चियां अगर वहां आके सीख रही तो शाली बंडे में वहां आके सीख सकते हैं, जो बच्चियां अगर नहीं सीख सकते ट्रैवल का प्रॉब्लम्स है तो हम लोग कम अज कम उसमें 50 अगर बच्चियां या लेडीज अगर जमा रहेंगे तो हम वो यूनिट यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को आप लोग की गैदरिंग से हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर 50 बच्चियां आप लोग महल्ले में, खादन में, फैमिलीज में, अरे यहां पे आओ, यहां पे कुछ नर्सिंग सिखा रहे हैं, उनके बोलते उन लोगों को अगर जमा करेंगे, जो यहाँ के सर के पास, मैनेजमेंट के पास अगर 50 अगर गर्ल्स जमा होंगे तो हम लोगों के लिए नर्सिंग क्लासेस का इंतजाम कर सकते हैं, यहाँ पे फैकल्टी स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते के 49 को वहाँ पे बुलाने से बेहतर है वहाँ के फैकल्टी स्कूल यहाँ पे भी जाके हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर सकते। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों के मकसद क्या है वो, और इसके अलावा भी हम लोगों का ये भी एक मकसद है आजकल क्या है तो ना जहेज के ऊपर, इसके ऊपर है सास ससुरों के ऊपर भी क्या है इतना ये दाना वो हो रही है, शादी हो गई, जो मैरिड हो गई, कई बच्चे बच्चियां क्या इतना डाइवर्स खुला बोला दे रहे, वो फैमिली काउंसिलिंग भी हम लोगों का एक मकसद है ताकि आपका ब्रॉड माइंड बने और कैसे भी सिचुएशन जो भी आप घर को जा रहे हैं या आपके जो भी वो रहेंगे, जो भी आपके हस्बैंड्स रहेंगे वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको आप आसानी के साथ हैंडल करें, मैनेज करें, क्योंकि ये दिमाग ही है और एक जबान है दृढ़ छटक, जो दृढ़ छटक जबान अगर आप जितनी मीठी रखेंगे आपके साथ आपके ससुराल वाले वगैरह भी क्या होते हैं अच्छे रहेंगे, नहीं तो फिर क्या है आप अगर कड़क जबान रहेंगे कुछ केयर नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा जितना प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर वहाँ पे तलाक की डाइवर्स की ये वो बातें शुरू हो जाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में जो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये हमारा एक हमारे जिंदगी का एक आइन मकसद हम लोग बनाए। कोई भी हो, कुत्ता भी खा ले रहा, जी ले रहा, पी ले रहा, हम इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला पूरे मखलूक बाज रिवायत में 18,000 है, बाज रिवायत में 22,000 अल्लाह ताला की मखलूक है, 22,000 अल्लाह ताला की पहाड़ जैसा कि 7 आसमान 7 जमीन में जितने भी जो भी चीजें हैं वो तमाम चीजें अल्लाह की मखलूक है, वो 22,000 बाज रिवायतों में है, वो मखलूक में से सबसे बेहतरीन मखलूक, सबसे अच्छी मखलूक, अशरफुल मखलूकात है, वो अशरफुल मखलूकात हम लोग है। तो हम लोगों में इतने बुराइयां, हम लोगों में इतनी कीना कपट गुरूर तकब्बुर घमंड फखर लालच इतना आ गया है, अनानियत इतनी आ गई कि हम अपने आप को सवाल में नहीं, कोई नहीं, वो होंगे जो भी होंगे वो होंगे, उनके केयरलेस कर देंगे, अनानियत में आके अपने पैरों पर अपनी जिंदगियों पर कुराड़ियां मार ले रहे, बच्चियां भी मान ले रहे हैं, बच्चे भी मान ले रहे हैं शॉर्ट टर्म पर रहने की वजह से। तो वो भी हम सेक्शंस क्या है तो ना हफ्ते में एक मरतबा, नहीं तो 15 दिन में एक मरतबा, 15 दिन में भी हम लोगों का भी इतना बिजी शेड्यूल है कि हम लोग भी ऐसा फ्री होकर नहीं आ सकते, एटलीस्ट महीने में एक मरतबा फैमिली काउंसलिंग का भी हम लोग ना सेक्शन रखेंगे। और आप लोग जो भी ऐसा प्रॉब्लम से, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बैठने से एक जना बोल रहा तो क्या हम लोग वो प्रॉब्लम क्या है ना सॉल्व हो जाते, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के वजह से, सुनने के वजह से, कुछ कहने के वजह से अपनी जिंदगी की क्या है ना जो डिसीजन रॉन्ग ले लेते, वो डिसीजन रॉन्ग लेने से
क्या है मेरा नाम सुनने के अपने जीवन को संभाल सकते हैं, आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है, हम लोग आपके साथ हैं। और मुझे एक मासिर सर को बल्कि नेम और कॉन्टैक्ट नंबर एक रजिस्टर पे क्या करना है या पेपर पे आप लोग लिख दीजिए और साथ में नाम लिखिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। और आप क्या करना चाह रहे हैं, नर्सिंग करना चाह रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं या टेलरिंग करना चाह रहे हैं या दूसरे ऐसे, हमारे पास 120 प्रोडक्ट्स है, वो 120 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के यूनिट हम लोग लगाना चाह रहे हैं। हमारे को मैन पावर की बहुत जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, तो हम बच्चों को लेना है, ये छवासी को लेके हम लोग मैन पावर को क्या स्टार्ट करेंगे या वो यूनिट्स यहाँ के सर वगैरह रहेंगे तो वो यूनिट्स हम लोग इधर लगा सकते हैं क्या, या आप लोगों के पास कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट है, कुछ ताजरीन हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितने बड़े ताजर थे मालूम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुल फाइनेंशियली सपोर्ट करें। वो टाइम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसे नहीं थे, आपकी बीवी आपकी अजवाज मुतहरा क्या मैंने सपोर्ट करे, किसको सपोर्ट करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करे, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला उनके समंदर में जिद्दा में समंदर में जहाजा पानी के चलते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के क्या बना कारोबार थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर क्या काम करे, फिर आप क्या बताना पैगाम पहुँचाए कि क्या होते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करेंगे, बोले तो वो अल्लाह ताला के फजल से हो गया। मगर कहने का मकसद ये है कि हम हमारा माइंड छोटा रख ले कि हमारे हुदूद छोटे रख ले कि हमारी सोच छोटी रख ले कि हमको जीना नहीं है। आज आपका जो माइंड रहना है, आप बोलना है कि मेरे पास 100 लोग क्या है बोले तो अपने बहनों को मैं काम दूंगी, बल्कि वो माइंड आपका सर रहना है, तो वो चीज हम आप लोगों को जगाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब वो चीज जगेगी आपके अंदर बेहतरीन अखलाक हो, आपके अंदर बेहतरीन क्या करना बात करने के लिए गुफ्तगू करने के लिए वो हो, आपके पास हुनर रहो ना करो मगर बेहतरीन जिसके पास अखलाक रहेंगे अल्लाह ताला उन्हीं को कामयाबी देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक थे, हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोले कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, तो कुरान जो पढ़े वो सारे के सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। तो मेरे भाइयों और मेरे माँ और मेरे क्या बोला बेटियों, मैं आप लोगों से क्या बोला अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ से आज ही मेरा लेक्चर सुनने के बाद से आज से यहाँ से अहद करके उठे कि हमको क्या बोला आधा घंटा कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ना है। जिंदगी में 24 आवर से 24 घंटे अल्लाह ताला दिए, आपको मालूम में कितने लोग इस दुनिया से सकोगे मालूम ना, कितने लोग मरने में क्या मालूम है ना, हमको है फिकर ये दुनिया से, फिर उसके बाद की जो दुनिया है वो दुनिया की फिकर है हमारे को, हम खबर में लेटे जाएंगे बल्कि उसकी फिकर है हमारे को, हमको नहीं है, हमको यहाँ पर क्या मिल रहा, उनसे क्या क्या मिल रहा, वो दूसरों से क्या मिल रहा, किसके ऊपर टोपी डालो, किसके ऊपर क्या बना नुकसान पहुंचाओ, अपने घर को भरो, बल्कि ये हमारे पास थॉट्स हमारे मेंटालिटी हमारे पास ये आगे सोई ये हमको निकालना है, ये चीज हमको खत्म करने का है। हमारे पास अच्छे चीज है, अच्छाई को पकड़ो, बुराई को पकड़ते हैं, अच्छों को अच्छी ठोकी ना बात, यहाँ पर भी अच्छा होगा, हशर के मैदान में भी अच्छा होगा, कब्र में भी अच्छा होगा, जो बुराई सोचते होगा यहाँ पर भी बुराई होगा, दुनिया में भी बुरा होगा, हशर के मैदान में भी बुराई होगा। तो क्यों हमारे को मालूम होना चाहिए हमारी जो जिंदगी है, हमारे को ये मोड पे माँ के पेट में थे, माँ के पेट से दुनिया में आए, दुनिया से फिर खबर के पेट में जा रहे हैं, फिर खबर में से क्या बना उठाए जाएंगे, फिर हशर का मैदान होगा, हशर के बाद में फिर जन्नत में हमारे को रहने का है, तो हम वैसे जन्नत में कैसे काम करना है, नहीं करना है, करना है ना। तो इंशाअल्लाह ताला किसको उर्दू आती होगा पढ़ने लिखने, वेरी गुड, अब जिसको उर्दू आती अब उन्होंने आज यहाँ से आयत करके उठना है कि हमको एक आधा घंटा उर्दू के माने के साथ कुरान पढ़ेंगे, जो कुरान पढ़ेंगे अल्लाह ताला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला आपको गैब से रस्ते खोलेगा, रिज्क के दरवाजे आया समझे, आपके घर के में बरकतें शुरू हो जाएंगी, आपके आप यहाँ पे कुरान पढ़ेंगे आपके जो हस्बैंड रहेंगे उन लोगों में बरकतें आने शुरू हो जाएंगी, आपकी अगर बच्चियां हैं आपके पेरेंट्सों में बरकत आने शुरू हो जाएंगी, कब अल्लाह की कुरान से मोहब्बत रखेंगे, तो अगर अल्लाह की कुरान से मोहब्बत नहीं रखेंगे
तो हमारा कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी हम ये जानना परेशानियों में, मुफलिसों में क्या है, उन्हें तो ना ये परेशानी, रोटी रोजगारी की परेशानी। वो अब ये बोलो आज कौन कौन नमाज और फजर अदा करे वक्त पे, लेट नाइट तो फजर का वक्त होता है 6 बजे से पहले, वो कौन कौन अदा करे। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है मेरे भाइयों और क्या मेरे बच्चियों, आप लोगों के ऊपर फर्ज आए हैं कि क्या ना वक्त पे नमाजों की पाबंदी करें, 5 वक्त की अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमको तहज्जुद को भी उठा के दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला जब तहज्जुद को उठेंगे अल्लाह ताला खुद बुरा कोई है कोई मानने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात को 22,000 मखलूक को खिलाने वाला, उन्हें सवाल कर रहा कोई है मानने वाला, वो तो अगर उठ रहे वो टाइम पर जबरदस्त शैतान मिचला, और जब जो उठता है ना अल्लाह ताला उसको और उठाता है, उसके दिल और दिमाग और उसके अकल के ढक्कनों को खोलता है और अल्लाह ताला से रुजू होता है, उसको फतेह नुसरत कामयाबी मिलती है। मैं कर लिया होगा तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो रहा, तो अल्लाह ताला का फजल करम से ये चीज आप लोगों को टर्निंग पॉइंट, अब ये चीज अपने पास याद रख लो, अब यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये कदम आपको आगे बढ़ाना है, चेंजेस लेके आना है लाइफ में, चेंजेस लेके आना है, अपने घर को संवारना है, अपने फैमिली को संवारना है, अपने खानदान को संवारना है, अपने पड़ोसियों को संवारना है, अपने माशरत को संवारना है, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को संवारना है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथियों सर एक वाइट पेपर और एक पेन दिया, जबरदस्त आप सोशल एक्टिविटीज है और एक जर्नलिज्म है, और आपके बीच में आप भी ये दर्द रखते हैं, उसाम सर जैसा रखते हैं दर्द, विकार सर बन गए आप भी दर्द वैसा रखते हैं। मैं विकार सर से भी गुजारिश करता हूँ कि ये उम्मत मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये बोलो आप लोग टेलरिंग के लिए कितने इंटरेस्टेड है, हाथ नर्सिंग के लिए कितने जने कर सकते हैं हाथ उठाओ, टीचर ट्रेनिंग के लिए कितने कर सकते हैं हाथ उठाओ, दूसरे एक्टिविटीज अगर कर रहे हैं कुछ भी इंडस्ट्री लेवल पे काम करने के लिए अगर आपको काम दिया जा रहा है तो कर सकते हो हाथ उठाओ। जैसा कि सपोज आजकल डिस्पोजेबल ग्लासेस हो रहे, डिस्पोजेबल प्लेट्स आ रहे, मशीन चल रही थी उसके ऊपर काम करना, मशीन को एक्टिविटीज करना आपको सिखा देते हैं, मशीन पर किस तरीके से काम करना, वो चीज़ अगर आप करते हैं उसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लोग के लिए यहाँ पर भी हम हसन नगर में भी एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो भी अगर इसमें फाइनेंस अगर कर रहे हैं यहाँ के लोग तो उसमें हम स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर यहाँ के लोगों को बेरोजगारियों को रोजगार इंशाल्लाह ताला फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आने वाले उसमें इसमें यहाँ पर ठहरना क्या बाहर ठहरने तक लोगों को फुर्सत न रहना, ये फॉर्म के मदद के लिए ये ऐसे प्लेटफॉर्म भी सजाने के लिए आप लोगों की इसमें एटलीस्ट 25 जनों को बुलाने की कैपेसिटी रहना। जब मैं यहाँ पे बोलूँगा तो एटलीस्ट एक जने अब यहाँ कितने टोटल 32 जब आप लोगों की भलाई के लिए निकलो अल्लाह ताला आपके लिए भलाई करता, ये बात याद रख लो, जो कैसा भरोगे वैसा पाओगे, आप जो बीज उगाओगे वैसा बीज लेंगे, आप नफरत का बीज डाले तो नफरत होगी, अगर प्यार मोहब्बत का बीज डाले तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, तो ये चीज को आपको आगे बढ़ के काम करना है इस फील्ड के ऊपर। जजाकल्ला खैर, मैं विकार भाई को मैं देता हूँ, आपके भी जरिए मशवरे दीजिए सर। जैसा कि आप तफसीली गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे, शेख सादुद्दीन साहब की बहुत ही खुशी की बात है कि वो आज यहाँ जैन मॉडल स्कूल हसन नगर में एक नई ब्रांच का इफ्तिता कर रहे हैं, फातिमा मुस्लिम महिला मंदिर के जैन से, जहाँ काउंसलिंग के साथ साथ टेलरिंग नर्सिंग और दीगर स्किल्स ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है। मैं सिर्फ मुख्तसर से बात में एक बात कहूँगा जो हदीस शरीफ में है, अलिल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो जैसा कि अभी उसामा ने बताया कि सबसे पहले जो इल्म की शुरुआत होती है वो कुरान मजीद है, कुरान मजीद में उसामा ने सिर्फ एक लैंग्वेज का जिक्र किया था कि उर्दू। मैं मुआज़रत के साथ कहूँगा कि
दुनिया की हर लैंग्वेज में उसका तर्जुमा मौजूद हो। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि उस तर्जुमे को पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपको सही दिल अल्लाह तआला की कही हुई रास्त बात आप तक पहुँच सके। फिर दूसरी बात ये कोशिश करें कि अरबी ज़बान सीखना शुरू करें क्योंकि अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, अल्लाह ताला की ज़बान है, कुरान मजीद जिसमें नाज़िल किया गया उसकी ज़बान है। तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद की जैसे जैसे आपके दिलो दिमाग में कुरान उतरता रहेगा आपके दिलो दिमाग को और होता जाएगा और उसकी बरकतें आपकी ज़िंदगी में आपके खानदानों में भी आती जाएंगी। इसके साथ साथ मैं ये भी यहाँ महसूस कर रहा था कि बहुत ही एंथुसियास्टिक यहाँ पर हैं, मौजूद हैं सामाई जितने भी हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक मैं मशवरा दूंगा कि अगर कुछ करना है तो पूरी ताकत के साथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि सोचते सोचते अगर हम आप काम करेंगे किसी का हाथ अब जैसा उससे बात करने में ही हम हाथ उठाना भी चाह रहे हैं नहीं भी उठा रहे हैं, उठाना है सीधा उठा दें, नहीं उठाना है बिल्कुल ना उठाएं। जब तक आप ये तय ना कर लें कि हमको ये काम करना है तब तक उस पर राज़ी ना हो, साफ सवाल करें। अगर कोई भी यहाँ आता हो चाहे हुसैन साहब आते हों मैं हूँ या कोई भी आने दो उससे आप सवाल कीजिए कि ये हमको नहीं चाहिए, तभी आपको आपकी चीज़ मिल पाएगी। वरना सिर्फ इस तरीके से निशिस्तन गुफ्तगू करना और बर्खास्त होना तो इससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको स्किल्स सीखना है तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको जो जो स्किल्स में है हो सकता है कुछ मल्टीपल स्किल्स सीखना चाहते हो तो वो मल्टीपल स्किल्स के लिए भी अपने नाम लिखवाइए। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ में सीखना लिखवा दें, ये हुनर है। जैसा इल्म कुरान का ज़रूरी है वैसे स्कूल्स में होंगे बहुत सारे, इसमें कॉलेज में होंगे तो ये स्कूल कॉलेज की स्टडीज के साथ साथ अपने साथ कुछ हुनर भी सीखते जाइए जो आपके काम आ सकता है और ये आपके फैमिली में और बच्चों में भी काम आ सकता है। मैं बहुत ही मशहूर हूँ यहाँ के मैनेजमेंट का जिन्होंने इतने सारे लोगों के यहाँ मदद किया और इस नई शुरुआत के लिए आप तमाम को ही मुबारकबाद देते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर और बरकत यहाँ पर हम सब के साथ में आप सबकी तरफ से ज़्यादा करूँगा।